नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ, आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर वीडियो बनाकर लाई हूँ। और वैसे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी बड़ी ना होते हुए भी बड़ी है, क्योंकि व्यक्ति इससे बहुत परेशान रहता है। आजकल अक्सर लोग पिंडलियों के दर्द से परेशान हैं। जब रात को सोते हैं तो अक्सर उन्हें पिंडलियों में क्रैम्प आ जाता है, पिंडलियों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। कई बार बहुत लोग पैरों को पटकते हैं, झटकते हैं और नींद उनकी उचटती है। तो आज मैं इसी विषय पर आपको बताऊंगी कि इनके क्या क्या कारण होते हैं, ये परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो सबसे पहला कारण है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना, यानी हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12, विटामिन डी, इन सब की कमी की वजह से हमारी पिंडलियों में दर्द होता है और क्रैम्प आते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से नसों में खिंचाव आने लगता है। और जब तक इस खिंचाव को हम हाथ से अच्छी तरह से रगड़ते नहीं हैं, तब तक ये खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि पैर फैलाने में दिक्कत होती है, और बल्कि जब सोकर उठते हैं तो अगले दिन भी पिंडलियों में दुखन होती है। जिस पिंडली पर भी क्रैम्प आ जाता है उसमें दुखन रहती है। और दूसरा कारण है कि पैरों में ब्लड सप्लाई ठीक से ना होना। जब ब्लड सप्लाई पैरों में ठीक से नहीं होती तो पिंडलियों में पैरों में दर्द होता है, दुखन होती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। और तीसरा कारण है साइटिका नर्व का। जब साइटिका नर्व दब जाती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से पिंडलियों में बहुत दर्द होता है और जंघा से लेकर एड़ी तक खिंचाव होता है और झंझनाहट फील होती है। कई बार ज़्यादा दौड़ लगाने की वजह से भी पिंडलियों में दर्द होता है, और कई बार जिम में वेट लिफ्टिंग करने की वजह से भी पिंडलियों में दर्द होता है। अधिकतर जो भारी बोझा उठाते हैं उनको भी पिंडलियों में दर्द होता है। जो ज़्यादा सामान लेकर के चलते हैं उनकी भी पिंडलियों पर खिंचाव होता है और दर्द रहने लगता है। और कई बार आयरन की कमी की वजह से भी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, नसें फूल जाती हैं, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिस वजह से पिंडलियों में सूजन आ जाती है और दर्द रहने लगता है। तो पिंडलियों के दर्द ठीक हो जाएं, इसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सा बताऊंगी, नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी और डाइट बताऊंगी कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए जो हमारे पिंडलियों के दर्द ठीक हो जाएं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी चिकित्सा करें जिससे पिंडलियों के दर्द ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जो बहुत ही आसान है, और इसको आप आराम से कर सकते हैं और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि ये नुस्खा है काली मिर्च का। और काली मिर्च का जब हम सेवन करते हैं तो उससे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। इस नुस्खे का सेवन करने के लिए आप 20 ग्राम काली मिर्च पीसकर किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लें, और प्रातः आपको ये काली मिर्च का सेवन करना है। इसके लिए आप एक पिंच काली मिर्च का पाउडर लें और गुनगुने पानी से इसको फांक लें, और अगर आप चाहें तो एक गिलास दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप गर्म पानी से लेना चाहते हैं या दूध के साथ लेना चाहते हैं। पिंडलियों में दर्द ठीक हो जाए, पिंडलियों में ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, जो नसें फूल गई हैं वो नॉर्मल हो जाए, पिंडलियों में जो क्रैम्प आ रहे हैं वो ठीक हो जाएं, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। वो चिकित्सा है 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है। तो देखते हैं ये चिकित्सा कैसे करेंगे। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखें, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं, और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें, और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है, और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके, और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे, और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज
और ना हल्का। अब 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं, जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है, तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलियों को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें, और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे, और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। अभी आपने देखा ये चिकित्सा कैसे की गई है, तो ये चिकित्सा करना बहुत आसान है। जब आप इस चिकित्सा को करेंगे तो बस थोड़ा पेट खाली होना चाहिए, बाकी किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात को, समय का कोई आपके पास बंधन नहीं है। तो जब आप पैरों को पानी में डालते हैं तो सारे दर्द पिंडलियों के समाप्त हो जाते हैं। अब पिंडलियों के दर्द को दूर करने के लिए कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाएं और योगासन बताऊंगी, तो देखते हैं वो कौन कौन सी सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं और कौन कौन सी योगासन है। इसके लिए हम करेंगे गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, जानु नमन, और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री तक ले जाएंगे, करेंगे ताड़ासन, और करेंगे वीरासन। तो ये जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं ये पिंडलियों के लिए बहुत ही अच्छे योगासन हैं, बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। जब आप इनको रोज़ाना 8 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तो धीरे धीरे पिंडलियों के दर्द ठीक होने लगते हैं, पिंडलियों में ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, पिंडलियों में दर्द और जो सूजन रहने लगती है वो सब भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं डाइट की, कि हमें ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो पिंडलियों के दर्द हमारे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएँ। तो पिंडलियों के दर्द के लिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ें हैं जो हमारे नर्व में बिजली की तरंगों जैसा काम करती हैं। तो जब भी कभी आपने देखा होगा कि अगर विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की कमी हो जाती है तो अक्सर डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन खाने के लिए देते हैं, और जिससे बहुत जल्दी आराम भी आने लगता है। तो मल्टीविटामिन की कमी क्यों होती है इसका कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें कि हमें मल्टीविटामिन को अपने शरीर में कैसे पूरा करना है।
आजकल हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसका मोटा मोटा छिलका उतार देते हैं, और चूंकि एक तो पीलर चल गया है और पीलर से जो छिलका वैसे भी बहुत मोटा मोटा पील हो जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी चीज़ का छिलका उतारें तो चाकू से हल्का हल्का उसको घरीट दें, उसको पूरा मोटा मोटा ना उतारें, क्योंकि जब मोटा मोटा उतार देते हैं तो सारे विटामिन मिनरल्स छिलकों के साथ बाहर चले जाते हैं। जैसे पहले हम लोग गाजर खाते थे या खीरा खाते थे तो पानी के नीचे अच्छी तरह से कस के रगड़ के धोया और उसको ऐसे ही खा लिया, लेकिन आजकल इस तरह से नहीं खाते, आजकल उसको पील करके खाते हैं। लेकिन आप आजकल भी उसको इस तरह से खा सकते हैं, पानी के नीचे आप उसको हल्के हल्के से रगड़ कर धोएं, स्क्रॉच ब्राइट ले लें जिससे बर्तन साफ करते हैं, आप उससे भी रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं, चाकू से भी उससे हल्का हल्का इस तरह से रगड़ कर के साफ़ कर सकते हैं ताकि मोटा मोटा छिलका उसका ना उतरे। तो कोशिश करें जिन चीज़ के छिलके आप बिना उतारे यूज़ कर सकते हैं उसको बिना उतारे ही खाएं, जैसे मूली, शलगम, गाजर, चुकंदर, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल सॉफ्ट लें जिससे उनका छिलका भी सॉफ्ट हो और आप उसको बिना उतारे यूज़ कर सकें। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी होती हैं, अधिकतर हम उनके छिलके उतार कर फेंकते हैं, पहले कुछ ना कुछ सब्जियों के छिलके किसी ना किसी रूप में लोग बना लिया करते थे, उनका यूज़ करते थे। अब जैसे मान लिया लौकी आती है तो लौकी के भी पहले लोग मोटे छिलके उतार के और उसकी सब्जी बना लिया करते थे, या कद्दू के छिलके उतार के उसकी सब्जी बना लिया करते थे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके छिलके उतार करके यूज़ करे जाते थे, लेकिन आजकल अधिकतर छिलके उतार कर फेंक देते हैं, इसीलिए विटामिन की मिनरल्स की हमें दिक्कत आने लगी है। तो सब्जियों के छिलकों को भी जिसे आपको उतारना ही पड़े तो उसे उतार लें, लेकिन उसको मिक्सी जार में पीस कर अपने आटे में मिलाकर आटे के साथ गूंद करके रोटी बनाकर खा सकते हैं, जिससे कि विटामिन मिनरल्स की आपके शरीर में कमी ना हो। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब जैसे मूली को ही ले लीजिए, मूली को अक्सर जब लोग खाते हैं तो उसका छिलका उतार के ही खाते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मूली को रगड़ करके आप उसको ऐसे ही खाएं और साथ में उसके थोड़े बहुत दो चार हरे पत्ते भी खाएं, क्योंकि मूली को हरे पत्ते जल्दी हजम करते हैं। और जब आप मूली की सब्जी बनाएं तो उसको घिस करके बनाएं, और घिस करके मूली एक भाप में गल जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, और उसमें प्याज और टमाटर काट करके ऊपर से डाल दें। इस तरह से आप मूली की सब्जी को रोज़ बना करके खाएं तो आपके जितने भी दर्द हैं या जितनी भी बॉडी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होने लग जाएगी। और सब्जी को हमें सादी बना करके खाना है, उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले डाल करके नहीं खाने हैं। बंद गोभी और गाजर को भी सिंपल तरीके से बना करके खा सकते हैं। आजकल लोग बंद गोभी का सेवन कम करते हैं, डरते हैं कि बंद गोभी से कीड़ा आ जाएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा। जब हम बेमौसमी सब्जी खाते हैं तब इस चीज़ का डर होता है, लेकिन जब मौसम पे सब्जी आती है तो उसको ही हमें खाना चाहिए, मौसम की सब्जियों में कीड़े का डर नहीं होता। तो आज की जानकारी यहीं तक, मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।